अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज मैं अपनी एक शर्ट डाई करने लगी थी, पड़ी हुई थी वाइट, तो मैंने सोचा अब क्यों ना इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। इसके ऊपर ये ऊन की कढ़ाई हुई हुई है, सारी ऊन के धागे से हुई है। इसको मैं कलर चेंज करके इसको डाई करने लगी हूँ, तो चलते हैं देखते हैं इस पर मैं कौन सा कलर करती हूँ और ये कैसा लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी रखा था उबलने के लिए। अगर तो छोटी चीज़ है तो फिर किसी छोटी चीज़ पर ही आप डाल सकते हैं। इसमें आप डाल दें एक आधा सा चम्मच नमक। नमक से आपका जो रंग है वो पक्का होता है। पानी उबल रहा है तो अभी जो ये कलर आपको नज़र आ रहा है, रेड कलर में करने लगी हूँ सबसे पहले। तो ये चम्मच देखें आप, छोटी चम्मच है, टीस्पून है, और किसी भी स्टिक की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको मिक्स करें ताकि आपका कलर सारी तरफ से इक्वल हो जाए। अगर आप मिक्स किए बगैर चीज़ को डालेंगी तो आपका कहीं पर टोन डार्क होगी कलर की और कहीं पर लाइट होगी। अभी ये उबल रहा है तो अब मैं इसके बीच में ये पहले डाल के चेक करूँगी कि मुझे ये कलर इतना इनफ है या मैं इसको डार्क करने के लिए और बीच में डालूँ। आपने इससे थोड़ा सा चेक कर सकते हैं इसको। अभी मुझे लग रहा है कि ये लाइट है, गाजरी सा कलर आ रहा है। इसको डार्क करने के लिए मैं इसके बीच में थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। क्योंकि कुछ धागे, कुछ फैब्रिक जो होता है वो तेज कलर के बाद अपना असली कलर आता है, यानी कि थोड़े से कलर ज़्यादा डालने पड़ते हैं जिसकी वजह से कलर सही आ जाता है। कलर पक चुका है यहाँ पे, तो आप लोगों ने अगर शर्ट डाई करनी है तो आपने दो चमचे, डेढ़ दो चमचे डाल देनी है। और अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो आप इनको जो कलर की क्वांटिटी है वो कम रख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा कलर डाल के आप शेड्स को भी चेक कर सकते हैं। अभी तो मैंने इसमें शर्ट के लिए दो चमचे डाल दिए हैं और इसको पकाया है, फिर अब मैं इसके बीच में डालने लगी हूँ शर्ट। इस तरह इसको साथ साथ डिप करना है आपने अच्छी तरह से। कोई स्टिक ले लें या कोई भी आप ऐसी चीज़ ले लें जिसके साथ आपकी शर्ट अच्छी तरह से, या दुपट्टा है या शर्ट है, जो भी चीज़ है वो अच्छी तरह से बीच में डिप हो जाए। अच्छा, ये शर्ट आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे ये अच्छी तरह से पक चुकी है। मैंने कम से कम एक शर्ट को 10 मिनट तक पकाया है। आपने भी शर्ट हो, दुपट्टा हो, कम से कम 8 से 10 मिनट उसको लाजमी रखने हैं कलर के बीच में। और साथ साथ आपने ना उसको ऐसे ऐसे करते रहना, ऐसे ऐसे करते रहना, और साथ साथ आपने उसको चेंज भी करते रहना कि सारी तरफ कलर इक्वल आ जाए। अभी आप देखेंगे मेरी ये एक जो शर्ट है वो हार्डली 25 से 30 रुपए का कलर मेरा लगा है, और ये शर्ट मेरी डाई हो चुकी है जो कि मैंने घर में की। अगर मैं ये शर्ट बाहर देती तो 250-300 रुपए की ये शर्ट मुझे अगला डाई करके देता। तो देखें, मैंने बचत भी कर ली, मेरी शर्ट भी चेंज होगी, नई लुक भी आ जाएगी जो कि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि ये डाई होके कैसी लगी है। मेरे चैनल पे आपको बहुत सी टाई एंड डाई की वीडियोस मिल जाएंगी। आप घर में अपनी मर्जी का टाई डाई कर सकती हैं, डाई भी कर सकती हैं, अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो ज़रूर विज़िट करें आप और देखें कि आप घर में भी ईजिली डाई कर सकते हैं। ख़ासतौर पर जो लड़कियाँ पेंट्स वगैरह पहनती हैं, ब्लैक पेंट्स वाली लड़कियाँ, वो बहुत मज़े से अपनी पैंट को दोबारा रिन्यू कर सकती हैं जब ब्लैक कलर डल हो जाता है तो। और अगर कोई घर पे बैठ के बिजनेस करना चाहता है, कोई घर पे बैठ के कमाना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप लोग घर में कलर्स अरेंज करें। और एक मतलब जो दुपट्टा होता है वो आपको, जो आप होलसेल मार्केट से उठाते हैं, तो आपको एक दुपट्टा 140, 150, 150 मतलब इस तरह आपको मिलता है। आप उसको डाई करें अपने घर में, अपनी एक एरिए पर ही ना आप वो बिज़नेस स्टार्ट करें, और आप वो दुपट्टा आराम से 400 का, 450, 500 का भी बेचें तो आपको बहुत प्रॉफिट है। और इस में इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, टाइम की भी बचत बहुत है और आपका काम भी बहुत अच्छा होता है। इसी तरह अगर आप बहुत सारे दुपट्टे डाई कर रही हैं और रेड ही कलर में कर रही हैं, तो आप एक बड़ा सारा देखचा लें, उसमें रेड कलर बनाएं, काफ़ी सारा बनाकर उसमें आप 5-6 दुपट्टे अगर डालती हैं तो आपको वो एक दुपट्टा 5-6 रुपए के कलर के साथ, मतलब समझें कि आपका एक दुपट्टा 5-6 रुपए का रंग हो रहा है। तो ये देख लें कि ये बहुत इतना कॉस्टली बिजनेस नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकती हैं, बल्कि अपनी खुद की चीज़ों को रिन्यू कर सकती हैं। तो अभी ये काफ़ी हद तक यहाँ पे हमने इसको 10 मिनट तक तो काफ़ी अच्छा इसको पका लिया है। पकाने से मुराद ये होता है कि कलर अच्छी तरह से ना जो हमारा कपड़ा होता है उसके रेशों तक चला जाए। अभी मैं इस कपड़े को निकालूंगी बाहर
और आपकी मतलब सिंक, अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो डेफिनेटली जो बर्तन धोने वाली जगह होती है आप इसको वहाँ पर रखें। अभी मैंने इसको यहाँ पे पानी के नीचे रखा है क्योंकि कलर करने के बाद ठंडे पानी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपका वेस्ट कलर होता है यानी जो फालतू का कलर होता है वो सारा निकल जाता है, और जो आपके कपड़े पर कलर होता है फिर वही पक्का कलर होता है। वैसे तो इतना कलर निकलता नहीं है लेकिन फिर भी ठंडा पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठंडे पानी से भी आपका रंग पक्का हो जाता है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो लोग जिनको कन्फ्यूजन है कि कौन सा कपड़ा डाई होता है कौन सा कपड़ा नहीं डाई होता, तो आप उसको हल्का सा जला कर देख सकते हैं। अगर तो वो अच्छी तरह से जल रहा है कपड़ा, प्लास्टिक नहीं बन रही, तो इट्स मीन कि वो कपड़ा आपका डाई होने वाला है। अगर तो वो जल के वहीं पर जम जाता है या प्लास्टिक सी बन जाती है तो वो कपड़ा आपका डाई नहीं हो सकता। अभी ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है ये सारा फालतू कलर निकला है जो हमने गरम गरम निकाला है, बाकी पक्का कलर इस पर चढ़ चुका है। और इसके ऊपर थी डार्क ब्लू कलर की कढ़ाई थी और रेड और ब्लू का कम्बिनेशन अब आप देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। और मेरी शर्ट हो गई है दोबारा से रीन्यू। अभी मैं इसमें से अच्छी तरह से पानी निकालती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। पूरी तरह से मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, शर्ट हो चुकी है डाई, कढ़ाई का कलर सेम वही है, इसमें कोई मसला नहीं आया, लेकिन रेड के साथ ये अब और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाकी जो बीच में आपको ये वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं आप चाहें तो चेंज भी कर सकती हैं। मैं चाहूँ तो इन सारे धागों को खोल दूँ तो यहाँ पर ना प्लेट्स आ जाएंगी, चुनट्स आ जाएंगी, तब भी ये ड्रेस मेरा खूबसूरत ही लगेगा। लेकिन मैं इसको नहीं खोल रही हूँ क्योंकि ये कम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। ये कितना खूबसूरत इस पर कलर आया और फ्रेश, ये आप देखें यहाँ पे भी इसके साथ ये बॉर्डर आ गया है, ये आ गया इसका बैक, और ये देखें शर्ट कितनी अच्छी डाई हो गई है। ओके जी, खुदा हाफिज, मुझे दें इजाज़त, आप भी करें घर में अपने कपड़े रीन्यू रीफ्रेश। अभी दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।